खूब पढ़ा लिखा होना अलग बात है और समझ होना बिल्कुल दूसरी बात। खूब पढ़े लिखे लोगों को भी पांचों वक्त की नमाजें पढ़ते और मंदिर का घंटा बजाते हुए देखा है, लेकिन दुनिया के बारे में जिनकी समझ दुरुस्त होती है वे लोग अपने लॉजिक से सृष्टि को समझते हैं। चाहे वो ज्यादा पढ़े लिखे ना हो फिर भी उन्हें कोई बरगला नहीं सकता। वे अंधभक्त नहीं होते। समझ का पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध नहीं है, बल्कि मौजूदा शिक्षा प्रणाली तो गधों की भीड़ तैयार करती है जिसमें समझ के लिए कोई जगह ही नहीं। अभी हाल ही में एक MBBS डॉक्टर एक तांत्रिक के चक्कर में 2 करोड़ रुपए ठगा बैठी। आप इसे क्या कहेंगे? पेरियार रामास्वामी केवल 6ठी पास थे। दशरथ मांझी ने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा था। आप इन्हें क्या कहेंगे? हमारी शिक्षा व्यवस्था जब तक रोजगार और अक्षर ज्ञान तक सीमित रहेगी तब तक लोगों में समझ नहीं आएगी, और इस शिक्षा प्रणाली से ऐसे नासमझों की भीड़ पैदा होगी जिन्हें आज हम अपने चारों ओर देख रहे हैं। केरल आपदा आई, गरीब अशिक्षित मछुआरे भगवान बनकर सामने आए। उन्होंने सेना के जवानों के साथ मिलकर सैकड़ों की जान बचाई, और पढ़े लिखे लोगों को हमने देखा कि वे सोशल साइटों पर कैसे अपने गधे होने का प्रमाण दे रहे थे। जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा था वो उतना ज्यादा अपने नासमझ होने का सबूत दे रहा था। RBI के एक वरिष्ठ अधिकारी जो कुछ ज्यादा ही पढ़ लिख गए थे, उन्होंने दावा किया कि ये सबरीमाला में औरतों के प्रवेश का प्रकोप है। विदेश में बैठकर देश के विकास को गति देने वाले कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे लोग केरल में राहत सामग्री के साथ कॉन्डम भेजने की बात कर रहे थे। ये है हमारे देश के पढ़े लिखे लोगों की असलियत। आप शिक्षित हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि आप समझदार भी होंगे। आप अगर देश की समस्याओं के मूल कारणों को लॉजिक से नहीं समझ पाते, राजनैतिक षड्यंत्रों को नहीं समझ पाते, धार्मिक पाखंडों के प्रति जागरूक नहीं है, तो चाहे आप कितनी ही डिग्रियां लेकर बैठे हों, आपकी समझ जीरो है। मान लीजिए आप एक ऐसी जगह हैं जहां आपके चारों ओर अंधकार है। ऐसे में आपकी पढ़ाई लिखाई उस अंधेरे में एक टॉर्च की तरह है। आप उस टॉर्च के सहारे रास्ते को देखते हुए आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आसपास के माहौल और मंजिल की तार्किक समझ न होने के कारण आप भटक जाएंगे, गलत रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे। वहीं जिसके पास टॉर्च नहीं है लेकिन रास्ते और मंजिल की समझ है, वो घोर अंधकार में भी बिना रोशनी के रास्ता ढूंढ लेगा और आपसे पहले मंजिल तक पहुंच जाएगा। ज्ञान का अर्थ ही परिवर्तन है। अगर आप में ज्ञान है और उस ज्ञान से समाज का कोई लाभ ही नहीं, तो ऐसा ज्ञान किस काम का? फिर तो ये आपका भ्रम है कि आप ज्ञानी हैं। धर्म, आध्यात्म, राजनीति और पूंजीपतियों के गठजोड़ से बनी हमारी विकृत सामाजिक व्यवस्था में अगर पढ़े लिखों की तादाद बढ़ने से देश आगे बढ़ता तो आज देश की ऐसी हालत नहीं होती कि 70% लोग 30 रुपए रोज पर गुजारा करने को मजबूर होते, रोज 50 किसान आत्महत्या करते और प्रतिदिन 5,000 बच्चे कुपोषण का शिकार होकर मरते। देश की ये तस्वीर बदलेगा कौन? अगर आप राजनीति से देश के उद्धार का ख्वाब देखते हैं तो आप कुछ ज्यादा ही पढ़ लिख गए हैं, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। किसी भी राजनेता अथवा राजनीतिक दल के मैनिफेस्टो में देश का उद्धार है ही नहीं, बल्कि सभी देश का विकास चाहते हैं, और विकास का झुंझुना बजाते बजाते 70 साल बीत गए फिर भी देश विकसित नहीं हो पाया। इसके कारण को समझिए। लोकतंत्र में दो ही चीजें हैं, एक लोक, दूसरा तंत्र। तंत्र बनता है लोक से, यानी कि लोगों से। तो जैसी जनता वैसी प्रजा, फिर तंत्र लोगों को वैसा ही रहने देती है जैसा कि वो है, यानी जैसा राजा वैसी प्रजा। लोगों की गलत अवधारणाओं पर आधारित मान्यताओं को तंत्र और मजबूत करता है, और फिर ये सभी अवधारणाएं तंत्र का हिस्सा बन जाती हैं। इससे होता यह है कि लोग हमेशा भ्रम में रहते हैं कि उसका उद्धार उसका धर्म करेगा, उसका उद्धार उसका भगवान करेगा, और इस तरह तंत्र अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह मुक्त होकर उन्मुक्त हो जाता है, उद्दंड हो जाता है। फिर उसे एक ही काम होता है, लोक यानी लोगों को हमेशा भ्रमित रखना। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या हमारी बदहाली गरीबी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि यहाँ पढ़े लिखे लोग समझदार नहीं है। आज देश में एक बेहद बड़ी आबादी पढ़े लिखे लोगों की है, और विडम्बना देखिए कि जो पढ़े लिखे हैं उनमें देश की समस्याओं को हल करने की समझ ही नहीं है, और जिन्हें समझ है उनके पास संसाधन नहीं है। जिसे रास्ते की समझ है उसके पास टॉर्च नहीं है, और जिसके पास टॉर्च है उसे रास्ते की समझ ही नहीं है। किसी भी विकसित देश का इतिहास उठाकर देख लीजिए, वहाँ भी हमारे देश की तरह ही बदहाली थी, लेकिन वहाँ के पढ़े लिखे लोग समझदार थे। उन्होंने अपने ज्ञान से, अपनी समझदारी से अपने देश की हर समस्या को समझा और उन्हें दूर किया। आज इन देशों के धार्मिक स्थलों में मकड़ी के जाले लग चुके हैं, क्योंकि वहाँ लोग समझदार हैं। उन्हें पता है कि धर्म का इतिहास कितना कुरूप रहा है। धर्म ने दुनिया को सिवा बर्बादी के कुछ नहीं दिया, लेकिन इसके उलट हम पढ़ लिख कर भी धर्म में अपना भविष्य तलाश कर रहे हैं। यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। भारत जैसे देश में जहां 70% आबादी को
2 जून की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। देश में 20 करोड़ लोग नालों और फुटपाथों पर जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं और इतने ही लोग सड़ांध भरी झुग्गियों में जीने को मजबूर हैं। दूसरी ओर धार्मिक संस्थानों के पास इतना धन इकट्ठा है जिससे देश की सभी समस्याएं एक झटके में दूर हो सकती हैं। देश को दोबारा सोने की चिड़िया बनाया जा सकता है। करोड़ों मंदिर, मस्जिद, मजार, धाम, गुरुद्वारा, चर्च और मदरसे देश पर बोझ नहीं तो क्या है। धर्म और ईश्वर के नाम पर खड़े किए गए इस आडंबर से देश का क्या भला हुआ है या हो रहा है। वे देश जहां धर्म की ये बीमारी नहीं है वहां लोग हमसे ज्यादा खुशहाल हैं। आखिर क्यों बाबा और उनके दिन रात चलते सत्संग जो अध्यात्म के नाम पर लोगों को मूढ़ते हैं, समाज के तार्किक दृष्टिकोण को पनपने से रोकते हैं, इन सब के अलावा मुल्लाओं की फौज, साधु मंडली के लोग देश और समाज पर बोझ नहीं तो और क्या है। ऐसे हालात में देश के कुछ पढ़े लिखे लोग जो खुद को ज्यादा पढ़ा लिखा समझते हैं, वे देश में रहकर देश की समस्याओं से निपटने की कोशिश करने के बजाय देश छोड़कर भाग रहे हैं। दुबई के महंगे फ्लैट्स में भारत के 50% पढ़े लिखे लोग रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और यूरोप में भी भारतीय पढ़े लिखे लोग इसी तेजी से सेटल हो रहे हैं और कुछ अनपढ़ लोग जो खुद को ज्यादा समझदार समझते हैं, हिंसा के बल पर देश को बदलने का ख्वाब देख रहे हैं, नक्सली बन रहे हैं। दोनों ही स्थितियों में देश का विनाश ही होगा, उद्धार नहीं। अगर देश का सच में उद्धार चाहिए तो पढ़े लिखे लोगों को समझदार बनना पड़ेगा। देश की समस्याओं को तार्किक दृष्टिकोण से समझना होगा, सबको साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा, तभी देश का उद्धार संभव है। वरना आने वाले वक्त में ये देश सिर्फ बेवकूफों का देश बनकर रह जाएगा। ये भी एक परम सत्य है कि जिस समाज में धर्म के पाखंड से दिमाग को दूषित करने की प्रक्रिया जन्म लेते ही शुरू हो जाती हो, परिवार, समाज, स्कूल, टीवी और अखबार सहित बुद्धि विकास के सभी दरवाजों पर धार्मिक गिरोहों का जबरदस्त पहरा हो, ऐसे में खूब पढ़ लिख कर भी कोई इस मायाजाल से कभी निकल ही नहीं पाएगा। ऐसी व्यवस्था में पढ़े लिखे समझदार लोग सिर्फ अपवाद ही होंगे। आप पढ़े लिखे हैं या समझदार, सोचिएगा जरूर। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सदियों से फैलाए गए अंधविश्वास और कुरीतियों के विरुद्ध वैज्ञानिक चिंतन के साथ खड़ा यह चैनल दुनिया को समझने का आपका नजरिया बदल देगा। धन्यवाद।